वेलकम बैक। हिंदी सुमन पाठ 12। कौन श्रेष्ठ कौन? प्रश्न उत्तर। शब्दार्थ। इंद्रियां शरीर के अंग। तप का मतलब बंद, चक्षु का मतलब आंख, वाणी का मतलब बोल वचन, लुप्त का मतलब गायब, डवाडोल मतलब अधीर, श्रवण का मतलब कान, व्यर्थ का मतलब बेकार, निटल्ला का मतलब निकम्मा। अभ्यास। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न एक, गप गोष्ठी किसके बीच में होने लगी? वाणी, चक्षु और श्रवण में गप गोष्ठी होने लगी। दूसरा प्रश्न, श्रेष्ठ कौन के निर्णय के लिए सभी किसके पास गए? भगवान के पास। तीसरा प्रश्न, चक्षु ने अपना महत्व जताने के लिए क्या सोचा? छिड़क कर चक्षु अपना महत्व जताने के लिए चल दिया। उसने सोचा, कुछ दिन अंधेरे में टोकरे खाएंगे, फिर झक मार कर मुझे मानने आ जाएंगे। चौथा प्रश्न, प्राण का बर्ताव कैसा था? अब प्राण की बारी थी। वह प्रारंभ से धीर, गंभीर और मौन था। उसका बर्ताव वैसा ही था जैसा छोटे बहन भाइयों के साथ बड़े भाई का होता है। वह न तो स्पर्धा के लिए तैयार हुआ और न कुछ बोला। पांचवा प्रश्न, अंत में किसे श्रेष्ठ माना गया? प्राण। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए। पहला प्रश्न, श्रेष्ठ कौन की स्पर्धा किनके बीच हुई? श्रेष्ठ कौन की स्पर्धा वाणी, चक्षु, श्रवण, प्राण और मन के बीच हुई। दूसरा प्रश्न, वाणी ने अपने विचारों को कैसे व्यक्त किया? वाणी कहने लगी, जगत पिता ने कहा है कि श्रेष्ठ वह होता है जिसके बिना काम न चले। अभी मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं तो तुम सबका काम ठप हो जाए, इसलिए सीधी तरह से मुझे श्रेष्ठ मान लो, नहीं तो मैं यहां से चली। चक्षु का वादा क्या था? इसके बाद चक्षु ने खड़े होकर कहना शुरू किया, आपको जो कुछ दिखाई देता है सब मेरी वजह से। यह जगत अच्छा लगता है तो मेरी वजह से। वाणी के बिना तो काम चल सकता है, पर मेरे बिना नहीं। मेरे महत्व को समझ कर ही विधाता ने जीभ को एक दी पर चक्षु दो दिए हैं। इतना जानकर भी यदि आप मेरी श्रेष्ठता स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं आपको छोड़कर अभी चला जाऊंगा। चौथा प्रश्न, प्राण निकलने के बाद शरीर के अंगों की क्या स्थिति हुई? अब प्राण की बारी थी। वह प्रारंभ से धीर, गंभीर और मौन था। उसका बर्ताव वैसा ही था जैसा छोटे बहन भाइयों के साथ बड़े भाई का होता है। वह न तो स्पर्धा के लिए तैयार हुआ और न कुछ बोला। नहीं शब्द चुनकर खाली जगह भरी। शरीर डैश पड़ा था, निष्क्रिय पड़ा था। दूसरा प्रश्न, मन ने कहा, भाइयों और बहनों, अपने मुंह से अपनी बड़ाई शोभा नहीं देती। तीसरा, हमारी अकल तो ठिकाने ही थी। चौथा, झगड़ा वाणी ने शुरू किया था। फोर्थ वन पांचवा प्रश्न, बस बस हम मान गए आप हम सबसे श्रेष्ठ हैं। उदाहरण के अनुसार अन्य अंगों के कार्य लिखिए। चक्षु से देखते हैं, कर्ण से सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, नासिका से सुनते हैं, हस्त से काम करते हैं। विलोम शब्द लिखिए। बहुत, कम, भला, बुरा, आरंभ, अंत्य, श्रेष्ठ, कनिष्ठ, भाई, निर्भय। अन्य वचन रूप लिखिए। आंख, आंखें, चीज, चीजें, बात, बातें, मान्यता, मान्यताएं, परीक्षा, परीक्षाएं, आवश्यकता, आवश्यकताएं। सही वाक्य के सामने सही, गलत के सामने गलत चिन्ह लगाइए। पहला प्रश्न, भगवान ने मानव को तीन चक्षु और एक कान दिया है, गलत। दूसरा प्रश्न, वाणी सबसे श्रेष्ठ है, गलत। शरीर निष्क्रिय होने लगा, सही। चौथा प्रश्न, अंत में वाणी को श्रेष्ठ माना गया, गलत। नमूने के अनुसार लिखिए। दिन प्लस एक दैनिक,
सप्ताह प्लस एक सप्ताहिक, पक्ष प्लस एक पाक्षिक, मास प्लस एक मासिक, वर्ष प्लस एक वार्षिक। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड सेव द प्लेलिस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।